मन करे मजे थी ना हमारे परशुराम भाई से आप सुने हैं बड़ी नई चीज रहल। बुढ़वा अपने बेटवन से कहल कि हम जब मर जाई तो हमार लसिया जोन बाप फेंकवाए सम्मत डा हला मत कर भैया। बड़ी अजीब बात बतौले अपने बेटवन के। अब एक थे गाना हम इसने सुनाई लसिया से बल जाला कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कभी। वाह कभी लोग नई नई बात खोज कर आपके सामने रखेलन। तो यहां से अब कहानी का शुरुआत है। बात मिली आपके महाभारत से कि लाश में जोन बा कितना गुण उल्लास का कहानी सुनला। हे लसिया में देखा बात आगे बढ़ गई नई चीज बा कैसे कि अरे दरबार में दुर्योधन के होता था अत्याचार। अरे दरबार में दुर्योधन के होता था अत्याचार। अरे वह व्यंग बाण से करता था पांडव को लाचार। हरे कहता था युधिष्ठिर को या वो धर्म के लाल। हरे पवन कुमार भीम को कहता लिए मलाल। हरे लेकर के असली नाम ना किसी को बुलाता। हरे कुंती से कहे भीम मां सहा नहीं जाता। पहले बात क्या आप लोग समझ लें, महाभारत के दो पक्ष पांडव पक्ष और कौरव पक्ष। पांडव पक्ष के अर्जुन भीम नकुल सहदेव युधिष्ठिर पांचों पांडवों की उत्पत्ति भी आप जानते हैं। मां कुंती को यह वरदान था, इंद्र को बुलाकर अर्जुन को जन्म देती है, पवन को बुलाकर के भीम को जन्म देती है, सूर्य के बुलाकर के कर्ण के, धर्म के बुलाकर युधिष्ठिर के। ये बात का जानकारी दुर्योधन के रहल। जब पांडवन का अपमान कैल सोचे दुर्योधन तब भीम के बोलावत कहे पवन का लड़का आवाज सुना, और युधिष्ठिर के बोलावत कहा कि ये धर्म का लड़का आवाज सुना। ई बतिया सुन सुन करके भीम के गुस्सा बरे। एक दिन भीम माई कुंती के पास पहुंचलन और जा करके पूछत हन करे माई हमहन का तो बड़ा अपमान करला दुर्योधन समाज में। हमके बोलावे को होई तो पवन का लड़का कह के बोलावेला, अब भैया के बुलावे को होई तो धर्म के लड़का कहके बुलावेला। तो ई बतिया भीम माई कुंती से पूछत रहलन। एक थे तर्ज बदल गई। अरे तोहरे सुनवन कथाली आ तोहरे सुनवन कथाली हमारी पतरिया पे दया करा। तब वो दुल्हन आकल तब वो कहले रहलन तो फिर कहे खाला बाबू तो फिर गई हन कि अरे तोहरे सोनवन का घड़ीला आ तोहरे सोनवन का घड़ीला हमारी गगरिया पे दाया करा। तब वो दुल्हना खलन तब गोसिया के गरिया वेली कि अरे तोहरे सोनवन का वो खाई आ तोहरे सोनवन का वो खाई हमारी मुसारावा पे दाया था। तोहरे सोनावन का वो खारी तोहरे सोनावन का वो खारी हमारी मुसारावा पे दाया था। तोहरे सोनावन का वो खारी तोहरे सोनावन का वो खारी हमारी मुसारावा पे दाया था। लेकिन भैया हो हम बतावत रहे तू लोग सोचत हुआ किया कि जा करके भीम माई कुंती से पूछत हो कि माई बड़ा अपमान करेला। तो ई बतिया कन्हैया जी छिप के सुनत रहलन गट्टा पकड़लन है भीम का ले गिना कोरे कलन एकर समाधान तोहर मतारी कुंती थोड़ा कर पहन हम बतावत हई। कल से अगर दुर्योधन तुहके पवन का लड़का कहे धर्मराज के धर्म का लड़का बनावे तो तुहू दुर्योधन से कह दिया कि तहू तब विदुर पेड़े का लड़का हवे सोने का लड़का पैदा भल रहा ओकर माटी वोटी शरीरिया से छूटे तो कुल सोना मतिन हो जाए।
कहला कन्हैया जी की जाके कह दिया दुर्योधन से कि तहूं तो पेड़े का लड़का हवे और वो पेड़े का नाम अब विधुर पेड़। भीम कहलन भगवान सब जानेला दुर्योधन के कि धृष्टराष्ट्र का लड़का बा तो हम ओके पेड़े का लड़का कैसे बनाई। कन्हैया जी कहलन ई बात बिल्कुल गलत हो, केवल लोग कहे ना और जाने ना कि धृष्टराष्ट्र का लड़का बा लेकिन वास्तविकता ही ना बा। वास्तविकता यही है कि विधुर पेड़े का लड़का बा दुर्योधन, ये बात के हम जानत हैं। आज जब तू कह दे बाते अपने आप काम बनी, इतना बतिया जब भीम सुनलन तब तो मुस्किया चल रहलन, लेकिन भीम गुस्सा में चल दिया वो समय का भाव बा कि अरे पहुंचे है भीम बलकारी हो, कि अब पहुंचे है भीम बलकारी हो बतिया फिर बोले। अरे पहुंचे भीम बलकारी हो बतिया फिर बोले, कि अरे हसन लगे नर नारी हो बतिया फिर बोले। ए भैया कहा जाला कि हरकल माने लेकिन परकल ना मानेला। दुर्योधन तो परकल रहल, ऊ है मजकवा चालू कर दल। जब भीम के दूसरे दिन देखला कहला ये पवन के लड़का आवाज सुना, आज जब कहला कि ये पवन के लड़का आवाज सुना तब भीम कहला अबे कि हम हूं पेड़े का लड़का बनाई, लेकिन तनी भीम के बनौले का तरीका देखा एक थे तरज बा और तर्जबा वह बा कि एक थे मेहरारू का मरद तनी हमारे मनी मोट झोट रहल। जब संयोग से मलतरी में भर्ती हो गया रियाज पानी कैले तो पतील हो गया लकड़ा मतीन। आज जब पतील हो गल तो छुट्टी पर घरे आल, आज जब छुट्टी पर घरे आल तो फिर जब ड्यूटी पर जाए लगल एक थे मेहरारू कहला करे हम सुनते कि तोर लकड़ावा फिर मिलिट्री में जात बा, तो वो कहला कि नहीं ये पारी ना जाए देव। का कहला तर्ज भाई है कि अरे हमारे बलमुआ के, अरे हमारे बलमुआ का पातर कमर पलटनियई में जाए नहीं, पलटनियई में जाए नहीं। लगी भौरी चोखा की आई बे होटलिए में खाए नहीं, भूख लगी भौरी चोखा की आई बे होटलिए में खाए नहीं। तनी गनवा के बतिया सुने के सुने करके बतिया धड़क गईली छतिया, अरे सुने करके बतिया धड़क गईली छतिया। विपतिया में डूब उतिया, विपतिया में डूब उतिया, अरे सुन करके बतिया धड़क गईली छतिया। विपतिया में डूब उतिया, विधुर पेड़े के लड़का हवे। अपने के दुर्योधन जब पेड़े के लड़का सुन ले गुस्सा की मारे आग बबूला हो गया, कहला रे भीम हमके पेड़े के लड़का बनौले जरूर, लेकिन आज तो के साबित करे के परी कि हम पेड़ के लड़का कैसे हैं, और न बताइबे तो आज हमरे तोरे खैरियत नहीं पड़ी। भीम कहलन ई बात तो हमसे पूछत वे दुर्योधन, अरे बात कह के प्रमाण लेवे के हो तो जाकर के अपने माई गंधारी से पूछ। अब गुस्सा में दुर्योधन मतारी गंधारी के पास पहुंचे ला, पूछे लगल तो कभी तेरी देहलन तरगन बढ़ादा बदनिया में लागल यगिया, अरे अब बदनिया में लागल यगिया, अरे माता गंधारी से पूछा कुल कहानिया। बदनिया में लागल जाकर अब प्रश्न कर दिया अपने मतारी गंधारी से दुर्योधन की माँ, क्या मैं सचमुच पेड़े का लड़का हूँ। माई गंधारी कहला बचवाई तो बड़ी अटपटी बात पूछला, अरे बचवा ई के बतिया तो से कहला। दुर्योधन कहला करे माई भीमा परी पूरी समाज में हमके बेइज्जत कर दिया,
हमके पेड़े का लड़का बनौला थे, आज माई साफ साफ बता दे कि का हम सचमुच पेड़े का लड़का हई। माई गंधारी रोवे लगल कहे बछवा। भैया भैया यहाँ बोला मत, कहला तो बतिया सही बा। दुर्योधन सुनल कि सही बा ते और फर के हरगल गुस्सा में होगल। कला आज तो के बतावे के परी कि हम पेड़े के लड़का कैसे है। तो माई गंधारी रो करके बतावे लगल का, बोली गंधारी महतारी, अरे बोली गंधारी महतारी, बेटा तू विधुर का लाल सही, और किस तरह हुआ है जन्म तेरा, खाती हूँ सच्ची हाल सही। अरे जब मैं शादी जग हुई, पिता जहाँ तिलक चढ़ाते थे, तो शादी होने के पहले ही वे सब दूल्हे मर जाते थे। बचवा सुन ले, अपने नैहर में जब हम शादी जोग सयान भैलीन, तो हमार बाबू गंधार राजा ओहर सुनला बोली राजा के बात, हाई सुनला गंधारी मतारी बतावे लगल कि बचवा हमार बाबू गंधार राजा हमारे शादी के लिए जहां दुल्हा देख करके आवे, शादी के पहले में वो दुल्हावा मर जा, दो चार घटना जब ऐसे घट गई तो विद्वानन के बुला करके हमार बाबू गंधार राजा राय लेलन। तो विद्वान लोग राय का देलन कि विद्वानों के कहने पर, अरे विद्वानों के कहने पर बेटा कान खोल कर सुन ले, कि विद्वानों के कहने पर पिता विधुर पेड़ संग ब्याह किए, और धृतराष्ट्र से बाद में शादी हुई, प्रेम की चाह लिए। अरे बचवा विद्वान लोग राय धलन कि गंधारी के शादी टोटकर मिटावा बदे, पहले विधुर पेड़ से कर दा, बाद में कोनो दुल्हा से करवा तो दुल्हा सलामत रही। तो बचवा टोटकर मिटावे खातिर हमार शादी पहले पेड़े से भई, आज जब पेड़े से भई तो वही पेड़वा के भर अखबार पकड़ के हम लिपट गईली, और जब लिपट गईली तो हमल रह गल, आ जब हमल रह गल तो ऊ जवन लड़का पैदा भैला ऊह तू दुर्योधन पैदा भैला। धृतराष्ट्र शादी तो बाद में भई, आज जब बतौला गंधारी मतारी की ऊह लड़का जवन तू पैदा भैला, तू दुर्योधन पैदा भैला, तब तक दुर्योधन का गुस्सा और बढ़ गई। तब एम गलती हमारे माई का ना बा, यम्मा गलती हमारे माई का ना बा, ई तो गलती हमारे नाना का बा। नाना अगर माई का शादी पेड़े से ना कैले होता तो कुल बतिया ना होत। तो एकर बदला अपने नाना से ले। अब गुस्सा में दुर्योधन चल दिया अपने ननिहाल के तरफ, उधर गुस्से में आग बबूला ननिहाल की तरफ जा रहा है। जरा उस समय का भाव देखेंगे भैया, हो कुरबुरा मतलब तुम जो कह तुम कह लिया खड़ा होके। कुछ लोग विराह का मजा लेलन, कुछ लोग ननिहाल पहुंचल, भाव मिलल का कि अरे लागल हो जावनिया बदनी में आग, नाना के करनी से भैल में हनावा हो, भैल में हनावा हो, भैल में हनावा। माई के अचारवा में लगी गई दाग, लागल हो जवनिया बदनिया में आग, बदनिया में आग, बदनिया में आग, लागल हो जवनिया बदनिया में आग। भाई साहब दुर्योधन सेना लेकर के, सिपाहियों को लेकर के, और जब पहुंचता है अपने ननिहाल में, अपने सौ मामा के और अपने नाना के बंदी बना करके लेकर आया अपने यहाँ, बतौली न कि वो बुढ़वा लसिया वाला बतौले रे कि हमारे लसिया जोन पर बैठवा, हम मर जाई तो हमार लसिया फेंकवाए मत, न जलैया से न ओके गढ़िया से, बल्कि लसिया ले जा करके वही बजरिया में बेचिया से, और वही लसिया से काम बढ़ गया, लसिया कितना काम कैल। अब तनि हाई सुन ला, अब वह बतियावत बा, अपने सौ मामा के और अपने नाना के सैनिकन से बंदी बनवा करके लेकर के आया है दुर्योधन, और लिया कर अपने यहां जेल के अंदर बंद कर दिया। और जब जेल में बंद कर दिया तो बड़ा तकलीफ दे दे जेलवा में, तकलीफ का दे तनी सुन ला कि अरे सब मामा या नाना को निरदैया जुर्मी जेलवा में, आ देवे लागल दुर्योधन सजैया जुर्मी जेलवा में, कि अरे दासी से का मुट्ठी चावल जेलवा में भेजवावे हो, कि अरे निन्यावन बे मामा मरी गए तनिक दया ना लावे हो, अरे झंख गंधार राजा का बुढ़ैया जुर्मी जेलवा में, आ लगन सकुनी मामा के चतुरैया जुर्मी जेलवा में। ये देखे चराना भी ऐसा लाइन से आज शुरू हो गईलन,
कितना लोग हर जगह मन गाना गावल जला, रोजे डेली प्रोग्राम चलत बा सभी लोगन के। तो गाना एक एक दूध जब भैल रामायण वाल तो पता चला पटसना कांड गाना का कि अबले जोन भाई रामायण महाभारत चलत बा, तब सवेरे केहू को ही ना, अब जब बदल जाई तब सवेरे से ले मचल जाये। तो कहे के मतलब कि कोई के शिकायत भी नहीं हो, बुढ़वा दादा लोग भी खुश रही हैं, बुढ़ऊ लोग यही पर खुश रहन। आई लड़िकवा चागवा आके बैठ जाइन, पूरा इन लोग कुछ से मतलब विरास बा ना लड़का, खाली टुकुर टुकुर ताकत होंगे काम हो बाबत हो सर कैसे कहत हो सर करके जेल के अंदर बंद कर दिया दुर्योधन अपने सौ मामा अपने नाना को। अब धीरे धीरे दासी से थोड़ा सा भोजन खाए बदे जेल में भेजवावे, तो खैले के अभाव में कुछ दिन में ओकर 99वें मामा मर गेलन। और जब 99वें मामा मर गेलन, केवल एक थे ओकर मामा बचलन शकुनी और ओकर नाना गंधार राजा। तो थोड़े दिन के बाद जब गंधार राजा भी मरे लगलन, तब देखला का भेल, मरते बेरिया राजा गईले, हर शकुनी के चेताई हो कि हमारे हड्डी के पासा लिहा लालन बनवाई हो। गंधार राजा कहला रे बचवा, तोर 99वें भाई खियोले बिना दुर्योधन मुगा दिला जेल में, उन समन के लाश तो फेंका गई, लेकिन सुन ले अब हम भी मर वाला हैं, लेकिन हमार लाश फेंकवाए मत बचवा, हमार लसिया फेंकवाई है मत, हमारे लसिया का करी है का। गंधार राजा अपने बचवा शकुनी से कहलन, जैसे वो बुढ़वा कहले रहल कि हमार लसिया फेंकवाइया से मत, लेकर बेच दिया से। गंधार राजा कहला कि बचवा हम भी अब मरब जल्दी है, लेकिन मर जाए शकुनी तो हमार लाश फेंकवाए मत, अकेले तो बचल बाटे, अब हमार लसिया से करी है का कि मरते बेरिया राजा गईले शकुनी के चेताई हो कि हमारे हड्डी के पासा लिहा लालन बनवाई हो। हमारे लसिया में से हमार हड्डी निकलवा करके जुआ खेल वाला पासा बनवा ली है, ऐसे हो ही का कि अरे जीती ना कोई जुआ में खेलवैया जुर्मी जेलवा में, आ चुकाली है बदला पाके समैया जुर्मी जेलवा में। पांच पुरस्कार बिंदु ड्राइवर जी की तरफ से नमस्कार प्रणाम बा, हमारे लाश से हड्डी निकलवा के हमार जुआ खेल वाला पासा बनवा ली है, और वो जुआ खेल वाला पासा से दुनिया में कोई तो से पार न पाई, कोई से हरबा न करबे। एक बात दूसरी बात नोट कर ले, अगर मौका मिले तो दुर्योधन से अपने 100 आदमी का बदला चुका ली है, तो 99वें भाई एक थे हम 100 आदमी का बदला चुका ली है बचवा शकुनी। यही कह करके जब गंधार राजा मर गईलन, तो शकुनी उनके हड्डी का जुआ खेल वाला पासा बनवा करके वही जेलवे में इंतजार करत है। ज्योतिषी टाइप का था शकुनी, बड़ा बुद्धिमान था, लेकिन अगर बुद्धि काम न कर अपने बाबू के हड्डी का जुआ का पासा लेके वो तैयारी कैले बा कि जेल से निकली बाबू कहले वहां तब दुर्योधन से बदला चुकाई, लेकिन मौका मिले न एक दिन अपन तरीका शकुनी लगौला। कौन तरीका भैया, कौन तरीका लगौला, आल्हा बदल गल तनिक नौर बढ़ा देता, तनिक नौर बढ़ाता और बहा मांगा थी बहा के तुहार का फटे से बोला तो हम ए भैया तो कितना गवैया पर पहलवान सवाल करत रहलन। ई हरी पहलवान भैया की तरफ से पांच पुरस्कार, भैया के नमस्कार प्रणाम। पहलवा गवैया सवाल करें कि कवन चिरैया बिन डयनवा का उड़ गईली, कवन नदी नहीं सूखे बढ़िया है, आ कवन रंग बजवा परदेशवा में छवलन, कवन तिरियवा सेजिया पर मुरझाए। एकर जवाब मिले कि प्राण चिरैया बिन डयनवा का उड़ गईली, नयन नदी नहीं सूखे बढ़िया है, लाखन रंग बजवा परदेशवा में छवलन, चंपा तिरियवा सेजिया पर मुरझाए। तो सब लोग जब एक गावे लगल हम बदल ले दिमाग लगावा कर जवाब हो का सवाल भाई है कि ये भैया कि अरे भैया अरे सावनी चुनरिया ए बबुआ कवन रंगिया ओढ़ले रहले, सावनी चुनरिया ए बबुआ कवन रंगिया ओढ़ले रहले, सावनी चुनरिया ए बबुआ कवन रंगिया कैली भोरवे गंगा यात्रा नहान, तनवा वाले पहलवान ने कोई हो दिया कवन रानी हो गई उतावे कर रहा, सावनी चुनरिया कवन रनिया ओढ़ले रहलीन, आ कवन रनिया कैली भोर में गंगा या स्नान, के ईर तनवा वाले पनवा में छोड़लन, कवन रानी हो गईली चौकवा कर रहा।
फुलवा रानी कैली भोरवे गंगा यात्रा नाम हो ब्रह्मानंद तनवा वाले पानवा में छोड़ी हो दिया पियन ना तनी कहानी बाप लोन ध्यान दिया जा अब सकुनी जवन बा अपने बाबू के हड्डी का जुआ बनवा करके पासा जवन बा जेल में इंतजार करत बा घटना का घट गई तनी सुनला ये भैया रावण के पेशाब जैसे लागल मिथिला में बोला मत पीछे से कि अरे रावण के पेशाब जैसे लागल मिथिला में अरे रख दिया शिव का धनु ही लचार ए भैया वैसे पेशाब एक दिन कैला कुरुराई अरे बहन लगी मटिया पे सभी के धार एक दिन दुर्योधन एकांत में पेशाब कर रहा था उसके पेशाब से जो मिट्टी बह रही थी उस मिट्टी से एक थे आमे का फल ढगल दुर्योधन घमंडी हंसने लगा कि वाह मेरे पेशाब में वो शक्ति है कि वो मिट्टी से आमे का फल ढक गया। यही बतिया के लेकर के दुर्योधन हंसत आवत रहल ओकर दासी जवन शकुनी के जेल में रोज भोजन ले जाए अपने राजा दुर्योधन के हंसत देख करके ऑटोमेटिक वो भी हंस देती है। दुर्योधन कहला रे दासी मैं तो किसी वजह से हंस रहा था लेकिन तू क्यों हंसी है। कहला सरकार कोनो वजह से ना हंसलिन केवल आपके हंसत देख करके हंस देलिन। दुर्योधन कहा नहीं हंसने का कारण बताना होगा कल तक का मौका देता हूँ अगर तू नहीं बताएगी तेरा गर्दन कटवा करके पेड़ पर टंगवा दूंगा। रात कौनो तरह बीतल सवेरे सवेरे उदासलम मन से भोजन लेकर के दासी जब जेल में गई हो शकुनी के शकुनी जब उदासल देखला दासी के कहला रे दासी आज तक बड़ा उदासल है वजह का बा खलम मामा दुर्योधन राजा हमारे गर्दन काट करके पेड़ पर टंगवा दी हन हंसले का कारण पूछले हमन। शकुनी बड़ा बुद्धिमान था ज्योतिषी टाइप का अपना बुद्धि लगा लगाने लगाते लगाते वह जानकारी कर लिया कहला रे दासी कौनो बहुत बढ़िया बात ना बारे अरे जा करके दुर्योधन से कह दे कि सरकार आप पिशाब करत रहला आपके पिसबिया के मिट्टी से आमे का फल ढंगल यही लिए हम हंस दिहलिन। दासी जब ये बात आकर के दुर्योधन से बतौले दुर्योधन कहला दासी कमवा तो हम अकेले एकांत में कैले रहली तय जनली कैसे कहला जो उन्हें मामा शकुनी के जलवा में बंद कैले हुआ वह बतौलन है। तब तो दुर्योधन बड़ा खुश हुआ कि वाह हमार मामा शकुनी इतना बुद्धिमान आ उनके हम जेले में बंद कैले हैं। तुरंत दुर्योधन जेल से निकाल कर शकुनी को किया क्या भैया अरे हसत दुर्योधन बात बिगड़ल बनी अरे हसत दुर्योधन बात बिगड़ल बनी आज जग में बुद्धि का खजनवा हो मामा शकुनी तो छुड़ा जेल से शकुनी को हम मंत्री लिया बनाई तो छुड़ा जेल से शकुनी को हम मंत्री लिया बनाई अरे पिता और भाई का बदला तो से ले कुरुराई अठानवा नवा में ठना नवा हो मामा शकुनी। जेल से निकाल कर दुर्योधन शकुनी को अपना मंत्री बना लिया कि बड़ा बुद्धिमान हो मामा अच्छी अच्छी राय दिहन। आज जब मंत्री बन गल दुर्योधन के तब शकुनी के दिमाग में बात नाचे लगल बाबू गंधार राजा वाली हमार बाबू कलवे की बचवा बदला चुका लिए दुर्योधन से। अब शकुनी जो बात दुर्योधन के अच्छी राय न देकर के गलत राय देवे लगल आ चढ़ावत बढ़ावत यहाँ तक कैले कहाँ ले कि द्रौपदी को जुआ में जीता उसी हड्डी के पासा से जौने अपने बाबू के हड्डी का जुआ खेल वाला पासा बनोले रहल तो द्रौपदी को जुआ में जीता उसी हड्डी के पासा से अरे बन में भटके पांडा लग पाने की आशा से आया आखिर में रचव वाला रनवा हो मामा शकुनी। तो कुरुक्षेत्र में रहते बहादुर चले बाण बाणन से रक्त रंजित धरा हो गई गिरे जान जानन पर अब बदला ले लिया बदनवा हो मामा शकुनी। Oh,
बात रहल हो? बिहारी गुरु गणेश, अब गुरु बिहार गुरु गणेश गुरु राम लाल मुरब्बा का, अब कथन का चंद्रिका कवि बच्चन का बीजा पता का, कि अरे बदनिया में लागल यगिया, अरे बेचन रामा कवि करत हाके जोगिया, बदनिया में लागल यगिया।